बिग बॉस के घर के अंदर कौन से चार सदस्य हैं जो अब नॉमिनेशन में गए हैं? आखिरकार ये नॉमिनेशन टास्क क्या था और किसने किसको नॉमिनेट किया है, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिसमें जितने सेफ कॉन्टेस्टेंट हैं उनके सामने एक एक करके दो दो सारे सदस्य आएंगे और जो सेफ कॉन्टेस्टेंट है उनको समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उनको नॉमिनेशन में क्यों नहीं जाना चाहिए। जहां पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले बारी जो है आने वाली है इस टास्क में टीना दत्ता की। टीना के सामने जो है अंकित साजिद होंगे, वहीं शिव को दो बार मौका दिया जाएगा। टीना के सामने अंकित और जब साजिद होंगे तो जाहिर सी बात है कि टीना अंकित को ही नॉमिनेट करेगी। इसके बाद शिव को दो बार मौका मिलेगा, एक बार उसके सामने अब्दू सौंदर्य आएंगे और एक बार प्रियंका और अर्चना। हालांकि शिव पहली बार में जो है सौंदर्य को करेगा और दूसरी चांस में प्रियंका को, क्योंकि अर्चना को वो अपना महामंत्री बना चुका है। वहीं टीना के सामने अंकित साजिद होंगे तो जाहिर सी बात है वो अंकित को करेगी। निमृत के सामने होने वाले हैं सुम्बुल और शालीन। जी हाँ, और सुम्बुल बोलती हुई भी नज़र आएंगी कि वो इस शो में रहना डिज़र्व करती हैं, और निमृत कहेगी कि मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल है कि मैं दोनों में से किसको चुनूं, लेकिन निमृत जो है चुनने वाली है सुम्बुल को। तो अब हम आपको बताते हैं कि टीना ने अंकित को, निमृत ने सुम्बुल को, शिव ने फर्स्ट चांस दिए जाने पर सौंदर्य को, और जब दूसरा चांस दिया गया शिव को तो उसने प्रियंका को नॉमिनेट किया है, और एमसी स्टैन पहले से ही नॉमिनेटेड है। तो ऐसे में अंकित, सुम्बुल, सौंदर्य, प्रियंका और एमसी स्टैन जो है नॉमिनेटेड है। और इस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि मानो एमसी स्टैन पर एलिमिनेशन की कार्ड गिरने वाली है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।